हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं एस जी बी डिस्कवर। दोस्तों, ये वीवो का फ़ोन है, वीवो Y20। इस फ़ोन में चार्जिंग इशू है। फ़ोन को हम जब चार्जर से कनेक्ट कर रहे हैं तो कभी कभी चार्ज हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो फ़ोन को धीरे धीरे खोल लेते हैं और देखते हैं, शायद ये जो चार्जिंग जैक है इसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये अंदर से टूट गया है। ये दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ़ोन को ऑफ कर लेना है और उसके बाद सिम ट्रे को निकाल लेने के बाद फ़ोन का बैक कवर में ब्लोअर से हीट देना है और उसका बैक पैनल को बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। इस तरह से फ़ोन का जो बैक पैनल है उसको निकाला जाता है। और अभी मैं पूरा फ़ोन को यहाँ पर खोल रहा हूँ क्योंकि हमें चार्जिंग जैक को यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर मैं ये स्क्रू को खोलना भूल गया था, इसलिए यहाँ पर अटक रहा था। तो आप ध्यान से सारे स्क्रू को पहले निकाल लेना, उसके बाद ही फ़ोन को खोलना। तो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर जो चार्जिंग जो सॉकेट है उसको निकालूंगा। तो दोस्तों देखिए, फ़ोन को खोलने के टाइम हर एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, एकदम धीरे धीरे उसको खोलना चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये रहा इसका चार्जिंग जैक। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सोल्डरिंग किया हुआ है। दोस्तों, मैं हर वक्त ये हीटसिंक टेप को यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे जो चार्जिंग जैक के साइड में जो भी यहाँ पर एसी वगैरह जो भी कंपोनेंट है उसमें ज़्यादा हीट ना जाए और वो ख़राब ना हो। इसलिए मैं ये सोल्डरिंग करने के टाइम यहाँ पर ये हीटसिंक टेप का यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप कोई चार्जिंग जैक को निकालते हैं तो ब्लोअर से जब आप हीटिंग करते हैं और आपके पास एक अच्छा ब्लोअर नहीं रहता है, जैसे कि मेरे पास जो ब्लोअर है इसमें तो टेम्परेचर नहीं दिखाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार से बहुत ज़्यादा हीट कॉन्स्टेंटली नहीं देता हूँ। मैं पहले थोड़ा थोड़ा करके हीट देके जो चार्जिंग जो सॉकेट है उसको थोड़ा गर्म कर लेता हूँ और उसके बाद ही उसको निकाल लेता हूँ, बिल्कुल इस तरह से। चार्जिंग जैक लगाने से पहले जहाँ पर हमें चार्जिंग जैक को सोल्डरिंग करना है उस जगह को बहुत अच्छी तरह ऐसे साफ़ कर लेना है, एकदम बिल्कुल साफ़ कर लेना है, यहाँ पर कुछ भी रहना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, एकदम पूरा साफ़ हो गया। अब ये डिसोल्डरिंग वायर से जो हमारा ये सारी सोल्डरिंग पॉइंट है इसको इस तरह से आपको उसको डिसोल्डरिंग कर लेना है। देखिए, पूरा डिसोल्डरिंग अच्छी तरह से हो गया। अब जो ये चार्जिंग जैक हमको लगाना है उसको इस तरह से थोड़ा घिस लेना है जैसे कि वो अच्छी तरह से यहाँ पर वो सोल्डरिंग हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरह से रंग को लगा लेना है जिससे कि वो अच्छी तरह सोल्डरिंग हो सके। देखिए, बिल्कुल फिट हो गया, एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर फिट हो गया। अब हमें इसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर कनेक्शन होता है मेन कनेक्शन, मैं उसी को सोल्डरिंग कर रहा हूँ क्योंकि यही यही आपका मेन चीज़ है,
इसी को आपको अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है एकदम बिल्कुल बारीकी से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस तरह से सोल्डरिंग हो रहा है, एकदम अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा और सोल्डरिंग करना है, जिससे कि यहाँ पर जो ये रंग है वो अंदर तक जाए, अंदर तक वो घुसे और एकदम अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरह से एकदम ये सोल्डरिंग हो गया। अब हमें जो ये पॉइंट्स है इसको अच्छी तरह से यहाँ पर सोल्डरिंग करना है, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप थोड़ा लूज़ रहेगा तो दो चार दिन बाद ये फिर से ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर सोल्डरिंग बिल्कुल अच्छी तरह से करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसको साफ कर लेना है। मैं ज़्यादातर थिनर का इस्तेमाल करता हूँ, पहले व्हाइट पेट्रोल का इस्तेमाल करता था लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए मैं अभी थिनर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने ये जो चार्जिंग जैक है उसको चेंज किया। अगर चाहें तो आप भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। फ़ोन को मैं असेंबलिंग कर रहा हूँ और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। फ़ोन को खोलने के टाइम या फिर असेंबलिंग करने के टाइम आपको एकदम ध्यान से करना है, नहीं तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो नुकसान हो जाता है, और जब नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से बैक पैनल को लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।